Click the bell icon to get latest videos from Ikeda. Hello friends, today we are just starting with the window dressing. Window dressing, guys, is a fraud. Both bada fraud. Window dressing means presentation of account in such a way it show better financial position than actual. मतलब विंडो ड्रेसिंग क्या होता है सर, मैं आपको एक सिंपल तरीके से बता दे रहा हूँ. आप अपने अकाउंट्स को ना इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो जो फाइनेंशियल पोजीशन जो एक्चुअल है उससे कुछ अलग दिख रहा है. मतलब आप अच्छा प्रेजेंट कर रहे हो. मतलब एक एग्जांपल ले लो. पहले मान लो एक कंपनी का प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, उसके अंदर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 50 लाख रुपीज. अब कंपनी क्या करेगी सर, मालूम 50 लाख रुपीज के बदले ना कंपनी उसको 90 लाख रुपीज दिखाएगी अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करके. मतलब अच्छा पिक्चर्स प्रेजेंट करेगी आपके सामने, मतलब शोइंग अ बेटर फाइनेंशियल पोजीशन देन एक्चुअल. इसके पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होता है सर, इसके पीछे कुछ मकसद होता है. जैसे कि एक एग्जांपल दे देता हूं, कंपनी हाई प्रॉफिट क्यों दिखाएगी, टू अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, टू टेक अ लोन फ्रॉम बैंक, ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव्स होती है सर. और ज्यादा प्रॉफिट दिखाने के पीछे और रीजंस होता है. जो कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, उनका जो कमीशन होता है वो कंपनी के नेट प्रॉफिट पे डिपेंड करता है. इसलिए कंपनी क्या करती है, अपनी प्रॉफिट को ज्यादा करके दिखाती है. मतलब एक चीज समझ लो, विंडो ड्रेसिंग मतलब है ना एकदम सुपर पिक्चर्स प्रेजेंट करना. मतलब कंपनी अपने पीएनएल, अपने बैलेंस शीट को एकदम जबरदस्त दिखा रही है. एक कंपनी थी सर, 2009 में घोटाला हुआ था, सत्यम कंपनी करके, नाम सुना होगा. वो कंपनी का ऐसे हुआ था सर, उन्होंने अपने पूरे पीएनएल बैलेंस शीट में विंडो ड्रेसिंग किया हुआ था सर. सर इसमें कौन लोग इन्वॉल्व होते, इसमें टॉप लेवल के लोग. बस बट ऑब्वियस है यार, कंपनी का प्रॉफिट 50 लाख से आप 90 लाख दिखा रहे हो, बट ऑब्वियस है टॉप लोग इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर, डायरेक्टर्स, मैनेजर, वो लोग इन्वॉल्व होंगे. दिस टाइप्स ऑफ फ्रॉड यूजली कमिटेड बाय डायरेक्टर, मैनेजर एंड टॉप लेवल अथॉरिटी. मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. आप नॉर्मली कॉलेज जाते हैं, कैसे भी चले जाते हैं, बट आप देखो किसी दिन कॉलेज में टाई डे रहेगा, साड़ी डे रहेगा, उस दिन बच्चे कितना स्मार्ट बन के जाते हैं. मतलब नॉर्मल डे से आप ज्यादा अच्छे दिख रहे हो कि नहीं, मतलब उस दिन आपने ड्रेसिंग की है. कंपनी भी अपनी ड्रेसिंग करती है सर, लेकिन कंपनी यहाँ पे किसके ड्रेसिंग कर रही है, पीएनएल बैलेंस शीट के ड्रेसिंग कर रही है, क्योंकि लाजम रहो शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट करना है. तो एक बार जरा समझ लो, दिस टाइप्स ऑफ फ्रॉड टॉप लेवल के लोग करते. याद रखना सर, विंडो ड्रेसिंग में याद रखना एक प्रॉफिट की चोरी होती है. विंडो ड्रेसिंग के अंदर हम लोग असेट्स को क्या करके दिखाते, ओवर वैल्यूड करके दिखाते, और लाइबिलिटीज को अंडर वैल्यूड, प्रॉफिट को ओवर स्टेटेड और एक्सपेंस को अंडर स्टेटेड करके दिखाते. तो विंडो ड्रेसिंग का एक कंसेप्ट है. विंडो ड्रेसिंग मीन्स शोइंग अ रोजियर पिक्चर, अच्छा पिक्चर्स प्रेजेंट करना. और ऑलवेज याद रखना सर, विंडो ड्रेसिंग में कंसेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू इज ऑलवेज एब्सेंट. इसके अंदर ट्रू एंड फेयर व्यू का कोई कंसेप्ट ही नहीं होगा, बिकॉज आप प्रॉफिट इंक्रीज कर रहे हो, आप असेट्स को ज्यादा दिखा रहे हो, लाइबिलिटीज को कम करके दिखा रहे हो, तो ट्रू एंड फेयर व्यू का सवाल ही नहीं उठता है. वेरी क्लियर है, और टॉप लेवल के लोग इन्वॉल्व होते हैं. तो ये सब उसके मीनिंग्स थे. आगे, व्हाई विंडो ड्रेसिंग इज दैट, टू अर्न मोर कमीशंस. जो डायरेक्टर्स होते कंपनी के, जो मैनेजर्स होते, उनका जो कमीशन होता है कंपनी के नेट प्रॉफिट पे डिपेंड करता है. टू सेल द शेयर्स एट हाई प्राइस. सर कंपनी अगर ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो लोग वो कंपनी के शेयर्स ज्यादा परचेस करेंगे. टू सेल द शेयर्स एट हाई प्राइस. टू गेट अ लोन फ्रॉम बैंक. अरे भैया मैं कंपनी में ज्यादा प्रॉफिट दिखाऊंगा तो ही मुझे बैंक लोन देगा ना. मैं जाके बैंक को बोलूंगा मेरे पास पैसे ही नहीं, लोन दे. बैंक लोन देगा क्या? नहीं देगा सर. आपको समझ रहा है, आपको प्रॉफिट ज्यादा दिखाना पड़ेगा, विंडो ड्रेसिंग करना पड़ेगा. टू अट्रैक द फेवरेबल क्रेडिटर्स. सर कंपनी के अंदर जो लेंडर्स होते हैं, फाइनेंशियल जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए कंपनी हाई प्रॉफिट दिखाती है. कंपनी प्रॉफिट दिखाने से कंपनी का गुडविल भी बढ़ता है. तो ये सब रीजन है व्हाई विंडो ड्रेसिंग इज डन. तो हाउ विंडो ड्रेसिंग इज डन, विंडो ड्रेसिंग कैसे करते हैं गाइस, ओवर स्टेटमेंट ऑफ असेट्स, हम लोग अपने असेट्स को बढ़ा देते. अंडर स्टेटमेंट्स ऑफ लाइबिलिटी, हम अपने लाइबिलिटीज को कम कर देते. ओवर स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट, कंपनी अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर देती है. अंडर स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, कंपनी अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देती है. मतलब चार तरीका है विंडो ड्रेसिंग करने के, चार तरीके. आप अपने असेट्स को बढ़ा दो, आप अपनी लाइबिलिटीज को कम कर दो,
आप अपने प्रॉफिट को बढ़ा दो, आप अपने एक्सपेंस को कम कर दो। ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द विंडो ड्रेसिंग, ऑब्जेक्शन क्या फ्रेंड्स? देखो विंडो ड्रेसिंग अच्छी बात है, मतलब फ्रॉड ही है ना, विंडो ड्रेसिंग इज नथिंग बट क्या है, फ्रॉड है। ऑब्जेक्शन तो रहेगा ना सर, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, कंपनी के प्रॉफिट को इंक्रीज कर रहे हो, आप कंपनी के असेट्स को बढ़ा रहे हो, आप अपनी कंपनी के लायबिलिटीज को कम कर रहे हो, अच्छी बात नहीं है सर, फ्रॉड है, गलत बात है। तो उसके ऑब्जेक्शन होंगे कि नहीं होंगे? होंगे सर। तो क्या ऑब्जेक्शन है? नो टू एंड फेयर व्यू। सर विंडो ड्रेसिंग में टू एंड फेयर व्यू होता है? नहीं होता है, बिकॉज आपने अपनी प्रॉफिट बढ़ा दी, आपने अपना असेट चेंज कर दिया, इसे ऑब्जेक्शन है। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन है शेयर होल्डर सफर करते। गाइस सपोज एग्जांपल, मैं एक शेयर होल्डर हूं, मैंने कंपनी के प्रॉफिट को देखा, वाओ क्या प्रॉफिट है, मैंने वो कंपनी में शेयर्स इन्वेस्ट कर दिए, परचेस किए, और वो कंपनी डूब गई। तो जस्ट लाइक अ सत्यम सर, स्टार्टिंग में सत्यम का शेयर्स कितना हाई था, बट जब वो फ्रॉड सामने आया उसके शेयर्स जुप, मतलब 300-400-500 रुपए वाले शेयर्स 7 रुपए हो गए थे सर, 8 रुपए हो गए थे। शेयर होल्डर सफर करेंगे सर, फ्रॉड बाय मैनेजमेंट। विंडो ड्रेसिंग इज अगेंस्ट द कंपनी एक्ट, विंडो ड्रेसिंग गाइस कंपनी एक्ट के अगेंस्ट है, बिकॉज कंपनी एक्ट कभी नहीं बोलता आप विंडो ड्रेसिंग करो, बिकॉज सर लॉ में अलाउड ही नहीं है ना, कहां पे अलाउड है? विंडो ड्रेसिंग इज अगेंस्ट द कंपनी एक्ट। तो बेसिकली ये सब ऑब्जेक्शन है, चार ऑब्जेक्शन है। क्या ऑब्जेक्शन है? एक तो सर टू एंड फेयर व्यू नहीं है, वन इज कंपनी एक्ट के अगेंस्ट जा रहा है, वन इज शेयर होल्डर सफर कर रहे, एंड अदर इज मैनेजमेंट फ्रॉड कर रहा है। तो गाइस ये बेसिकली ऑब्जेक्शन है अगेंस्ट द विंडो ड्रेसिंग। ऑडिटर्स ड्यूटी रिगार्डिंग विंडो ड्रेसिंग, हम ऑडिटर्स है गाइस, हम ऑडिट करने गए कंपनी में, हमने देखा अरे बाप रे फ्रॉड चल रहा है, विंडो ड्रेसिंग चल रहा है कंपनी में, हम क्या करेंगे, हम छोड़ के आ जाएंगे ना? अब क्या करोगे सर? आप सबसे पहला फ्रॉड, विंडो ड्रेसिंग इज नथिंग बट फ्रॉड, आप ये चीजों को रिपोर्ट करो, आप रिपोर्ट कर दो सर, आप शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट कर दो, भैया आपकी कंपनी में फ्रॉड चल रहा है, आप रिपोर्ट कर दो। नेक्स्ट सर कंपनी ने विंडो ड्रेसिंग किया है, तो बोलो कंपनी को इनकम वेरीफाई करो, आप एक्सपेंस वेरीफाई करो, मतलब कौन से एरिया से आप पकड़ सकते हो, आप इनकम चेक करो, आप एक्सपेंस चेक करो, आप क्लोजिंग स्टॉक वेरीफाई करो। सर आप क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाओगे ना तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। आप ये देख लो कंपनी के कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो नहीं है, कंपनी ने कोई डेप्रिसिएशन का प्रोविजन प्रॉपर किया है कि नहीं, कंपनी ने कोई जो प्रोविजन होता है बहुत सारी जैसे RDD, इसकी प्रोविजन प्रॉपरली रिकॉर्ड की है कि नहीं, तो ये सब चीजें हम वेरीफाई करेंगे, ये हमारी ड्यूटीज है, रिपोर्ट करना, इनकम चेक करना, एक्सपेंस चेक करना, क्लोजिंग स्टॉक चेक करना, डेप्रिसिएशन चेक करना, ये हमारी ड्यूटीज है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग ई कीड़ा, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, थैंक यू सो मच।